Hello everyone, myself Pankaj and you are watching me on Life Science. It's LIFESC 5. तो स्क्रॉल डाउन हो रहा है, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, करते ही आ रहे हैं. पर पिछले एक दो दिन से, जबकि ये कोरोना का जो एक पूरे का पूरा एक फैला हुआ है कोरोना वायरस, उसको स्क्रॉल डाउन करते करते एक बार बार एक फोटो जो था, एक फ्लैश हो रहा था. क्या था वो पोस्ट? इसमें पोस्ट में मेंशन किया गया था कि देर इज ए थ्योरी दैट एवरी 100 ईयर इज ए पेंडेमिक हैपन. यानी कि हर 100 साल में एक थ्योरी है, एक ऐसा एक थ्योरी के अनुसार हर 100 साल में कोई ना कोई महामारी फैलेगी ही फैलेगी. तो क्या ये सच था या झूठ था? बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट, मेरा हिस्ट्री इतना अच्छा नहीं था, तो उस चीज़ को लेके फिर हमने थोड़ा सा उसको सर्च किया, ब्राउज करके फिर उसका एक डाटा एनालाइज करके लाए हैं. और मुझे लगा कि वो चीज़ जो थी वो शेयर करने लायक है आप सबके साथ, तो उसको हम यहाँ पर लेके आए हैं. तो ध्यान दें, सबसे पहले 1720 में क्या हुआ था? द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले हैपन हुआ था. प्लेग जिसको ब्लैक डेथ के नाम से भी लोग जानते हैं, इसको याद रखा जाता है ब्लैक डेथ के नाम से, जो कि एक बैक्टीरिया था, यर्सिनिया पेस्टिस, उसके कारण ये फैला था. और उस दौरान अकेले फ्रांस में लगभग 1,00,000 लोगों की जो थी मौत हो गई थी. और डरने की बात यहाँ पर यह थी कि विद इन सम वीक्स और मंथ एक पूरे के पूरे शहर में 50,000 से ज़्यादा मौतें हुई थी. उसके बाद 1820 में, लगभग 1820 में, 1818 और 20 के आसपास एक फिर से एक बैक्टीरिया जो था वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, जिसका नाम था विब्रियो कॉलरे. तो उसने कॉलरा फैलाया, कॉलरा की महामारी फैली थी. और उस दौरान इंडोनेशिया और बैंकॉक में 1,30,000 यानी कि 1,50,000 लोग जो थे वो यहाँ पे लगभग लोगों की मौत हुई थी. और ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो कि सिर्फ रिकॉर्ड्स में हैं. अदरवाइज इसके अलावा ना जाने कितनी मौतें हुई थी. एक चीज़ और, 1720 में जब प्लेग फैला था, इसका सबसे पहला केस जो था वो चाइना में देखा गया था. और जो 1820 में जो पेंडेमिक जो महामारी फैली थी उसमें उसका सबसे पहला केस जो था वो इंडिया में, यानी कि कैलकाटा में. अभी यहाँ पे कितने ज़्यादा पोल्यूटेड देश हैं तो नेचुरली हो सकता है. उसके बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला केस जो था वो स्पेन में देखा गया था. उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में इसका प्रिंट किया था कि यहाँ पे ऐसा केस देखा गया है. उस दौरान आज तक की जो सबसे बड़ी महामारी जिसको कह सकते हैं, 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ के आसपास लोग जो थे उससे ज़्यादा ही लोग इन्फेक्टेड हुए थे उससे. और उसमें से लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी. 5 करोड़, ठीक है. ये कौन सा था? ये एक वायरस था, एक्चुअली H1N1 नाम का एक इन्फ्लुएंजा वायरस था. उसके कारण ये सारी की सारी पेंडेमिक हैपन हुआ था. उसके बाद अगर 100 साल आप जोड़ें तो अभी जो आज का जो तारीख है वो वही कुछ वैसा ही कुछ लेके आ रहा है. 2019 में ये कोरोना वायरस जो डिज़ीज़ जो हुई है 2019 में चाइना में सबसे पहले देखा गया था. ये हम लोग काफ़ी दिनों से इसको न्यूज़ में देख रहे हैं, सुन रहे हैं. अभी हमारे इंडिया में भी इसके केसेस जो थे वो अभी 100 से प्लस अभी हो गए हैं. तो यहाँ पे इस चीज़ पे एक्चुअल में कोरोना है क्या है, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसे ये इन्फेक्ट कर रहा है इंसानों को, इसको जानने से पहले एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे, ये सिचुएशन रिपोर्ट्स हैं जो कि हम नहीं लेके आए हैं. ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल उनकी रिपोर्ट्स हैं ये. मैं आपको जस्ट एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि पिछले एक महीने में क्या हुआ है, अभी कितना ज़्यादा इसका हल्ला, इतना लोग डर रहे हैं जगह जगह. अभी हमारे यहाँ, मैं खुद हिमाचल से हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा वो हमारा गैदरिंग बंद कर रहे हैं यहाँ पे. इतना ज़्यादा क्या हो गया, क्या ये डरने वाली बात है या नहीं है? तो ध्यान से देखें कि 14 फरवरी यानी कि लगभग एक महीना पहले 2020 में चाइना में जो थे, जो कि रिकॉर्ड्स में थे, 5,093 केस जो थे वो पर्सन थे जो कि इन्फेक्टेड थे इससे, जिनको ये डिजीज़ था, उसमें से 1,381 यानी कि 1,381 लोगों की मौत हो गई थी. और उसी दौरान पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 218 केस थे कोरोना के, और उस टाइम पे कोई भी डेथ नहीं थी इन रिकॉर्ड. पर उसके जस्ट एक महीने बाद अगर आप देखें 15 मार्च को, ये चीज़ आप जाके WHO की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं. यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ये सिचुएशन रिपोर्ट नंबर 25 एंड दिस वन इज़ 55. आप वहाँ पे जाके भी इसको देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं. तो एक महीने के बाद चाइना में
जो कि पहले जो सिर्फ 5,000 लोग इन्फेक्टेड थे, अभी वो 81,000 80,000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो गए हैं विद इन एक महीना, विद इन वन मंथ। और डेथ्स जो थी, जो कि पहले सिर्फ 1,300 थी, अभी जो थी वो 3,204 हो गई हैं। और वर्ल्ड में अगर आप देखें तो पहले जहाँ पे सिर्फ 218 केस थे, अभी वहीं पे 72,469 केस जो हैं, जो कंफर्म्ड केस हैं, जो देखे गए हैं कि इन लोगों को कोरोना वायरस से ये इन्फेक्टेड हैं। और वहाँ पे जहाँ पिछले महीने एक महीना पहले कोई भी डेथ का केस नहीं देखा गया था, वहाँ पे यहाँ इस महीने में 2,008 लगभग 3,000 का आंकड़ा छूने ही वाले हैं। और अभी अभी हमारे इंडिया में भी 100+ केस जो हैं इसके देखे गए हैं, एक कुछ कुछ एक जो हैं वो डेथ्स भी हो रही हैं। तो इतना ये क्यों डेडली है, क्या इतना ये डरने वाली चीज़ है या नहीं है? मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा कि हाँ, ये डरने वाली बात है कि कोरोना वायरस इंडिया में आ गया है, और दूसरी चीज़ ये कि डरने वाली बात है भी नहीं। क्यों नहीं है डरने वाली बात? ये कि इस वायरस का जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, वो काफ़ी हैवी है ये वेट में, और ये ज़्यादा दूर तक फैलता नहीं है। और डरने वाली बात क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हम लोग ट्रोल्स कर रहे हैं, काफ़ी ये चला हुआ है कि कोरोना कोरोना। मेरे खुद का, मेरे कज़न वो छुट्टियां मना रहे हैं अभी, और वो काफ़ी खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि कोरोना आया। और हमें पर आप हम उस टॉपिक को नहीं लेके जाते हैं, पर हमें बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हमें इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए और अवेयरनेस फैलानी चाहिए जितनी ज़्यादा हो सके, ताकि कोई ज़्यादा बड़ा इशू ना क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो आइए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि मॉलिक्यूलर इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है कोरोना वायरस का, और ये कैसे जो है वो ह्यूमन को इतना जल्दी इफेक्ट कर रहा है। आइए इसको डायग्राम से समझते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, अभी तक आपने इसका बेसिकली आई थिंक फोटो देख लिया होगा, अभी तक आपके व्हाट्सएप पे या कहीं पे सोशल मीडिया पे आपने अभी इसका स्ट्रक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कुछ इस तरीके का दिखता है कोरोना का वायरस, जो कि इसके सेंटर में इसका जेनेटिक मटेरियल, और इसके बाहर जो ये मैंने रेड रेड कलर के जो मेंशन किए हैं, ये इसके स्पाइक प्रोटीन्स हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं किसी होस्ट के, या फिर जैसे ह्यूमन को ये बीमारी कॉज कर रहा है, ह्यूमन को ये इन्फेक्ट कर रहा है, तो ह्यूमन की बॉडी को पायर्स करने में हेल्प करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे करता है ये। ठीक है, और एक और चीज़ कि यहाँ पे जो ये ब्लैक ब्लैक कलर का जो बाकी ये जो बचा हुआ है, ये इसका लिपिड का मेम्ब्रेन है, लिपिड यानी कि फैट का मेम्ब्रेन है। ह्यूमन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन के सेल का, आप सबको पता ही होगा कि कुछ ऐसा दिखता है ह्यूमन के सेल में। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर में, ह्यूमन के सेल में भी लिपिड की मेम्ब्रेन होती है, जो ये ब्लैक कलर से बनाई है लिपिड की मेम्ब्रेन, और जो रेड से मेंशन करी है ये है प्रोटीन्स। ह्यूमन के जो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें भी प्रोटीन होते हैं, और उन्हीं प्रोटीन्स को ये इजीली पायर्स कर रहा है, उसके थ्रू ये ह्यूमन को इन्फेक्ट बड़ा जल्दी कर रहा है कोरोना वायरस। कैसे कर रहा है देखिए ध्यान से, ये है कोरोना वायरस, ये है ह्यूमन का सेल। जब ये इसको इन्फेक्ट करेगा, कैसे करेगा कि जब ये सेल जो है वो इसके पास आएगा, कैसे भी आए, किसी भी तरीके से पहुंच सकता है, जब आएगा तो जो ह्यूमन के जो बॉडी के जो ह्यूमन की मेम्ब्रेन के जो सेल हैं, प्रोटीन इसकी मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन है, उसी प्रोटीन के थ्रू ये अपने स्पाइक को वहाँ पे उसको स्पाइक को अटैच करके अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो ह्यूमन के अंदर इसको भेज सकता है, और ह्यूमन जो है वो इससे इन्फेक्ट हो जाएगा। ये जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज़ की, जो इसके स्पाइक जो इसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन जो है वो जो लगे हुए हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे हम लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि साबुन से अच्छे से हाथ धोएं, तो क्या साबुन से हाथ धोना एक्चुअल में इफ़ेक्टिव है? बिल्कुल है। कैसे है देखें, आपने अगर साबुन का जो सोप का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो कुछ ऐसा देखने को होता है, जिसका हाइड्रोफिलिक हेड, यानी कि हाइड्रो मीन्स पानी और फिलिक मीन्स लविंग, तो एक जो हेड होता है वो पानी में घुल जाता है, जिसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक, फोबिया मीन्स डरना, यानी कि पानी से डरता है। इसका ये वाला एंड है जो ये पानी से दूर भागता है, और ये वाला जो है वो पानी में अच्छे से मिक्स होता है। तो अगर यहाँ पे आप देखें ध्यान से, ये बीच में मैंने बनाया है कोरोना वायरस, और इसको जब चारों तरफ से घेरेगा कौन, हमारा सोप का मॉलिक्यूल, तो वो इसको इजीली किल कर सकता है। किल इन द सेंस कि इसको ये तोड़ देगा छोटे छोटे हिस्सों में, जब ये टूट जाएगा कोरोना वायरस तो इजीली, तभी तो हम कह रहे हैं कि रनिंग वाटर से अपने हैंड वॉश करें अच्छे से, साबुन जब आप हाथ पे लगाएंगे, अगर बाई चांस आपके हाथों पे वायरस है कोरोना वायरस, तो उसको साबुन जो है वो कुछ ऐसे मिसल फॉर्मेशन करके उसको उसकी ब्रेकडाउन जब करेगा, और अगर आपने रनिंग वाटर के नीचे हाथ धो रहे हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल होंगे या उसके जो एशिज होंगे वो बह जाएंगे पानी में, तो वो एक अच्छा तरीका है इससे बचने का। और ध्यान रखें इस चीज़ से जितना हो सके उतना बचें, स्पेशली जो लोग आपको लगता है कि उनमें इसके थोड़े बहुत सिम्टम अगर देखने को मिल रहे हैं, तो उनका
जल्दी से जल्दी उनका चेकअप करवाएं और पता लगाएं कि क्या वो इस बीमारी से ग्रस्त है या नहीं है. ऑल द वेरी बेस्ट बिकॉज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. जल्दी जल्दी जाने से पहले इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि कोरोना के एक्चुअल में सिम्टम्स क्या हैं. इसमें जो है वो फीवर आ रहा है, इस सब ने सुना है कि स्नीजिंग होती है, पर आपको कैसे पता चलेगा कि कोरोना है? देखिए, इसमें जो है वो फीवर जो है वो एकदम से हाई फीवर हो रहा है लोगों को, और जो खांसी हो रही है वो एकदम से सूखी खांसी हो रही है, और उसके साथ साथ जो है आपको शॉर्टनिंग ऑफ, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी. ये सबसे बड़े इसके सिम्टम्स हैं. अगर ये सिम्टम्स कहीं पर भी अगर देखे जा रहे हैं तो आप प्लीज़ उस आपके जो भी नियर एंड डियर्स हैं उनको जाके उनका चेकअप कराएं और उनका अच्छे से ध्यान रखें, इलाज करवाएं. और स्पेशली जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, जैसे कि बच्चे होते हैं या फिर जो बूढ़े हैं, उनको जितना हो सके आप सोशल, ज़्यादा जहाँ पे पब्लिक, जहाँ पे ज़्यादा क्राउड होता है वहाँ पे ना जाएं. जितना हो सके आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें. और नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे. माई सेल्फ पंकज एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन लाइफ साइंस.